प्रदेश के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बीते कल हुए हिमपात के बाद आज दूसरे दिन भी जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों को बहाल करने के प्रयास जारी। भारी हिमपात व वर्षा के चलते प्रदेश के कई स्थानों में बिजली व पानी की आपूर्ति आज भी रही बाधित, दूध व ब्रेड जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी रही प्रभावित। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई पर्यटक स्थलों पर हुए हिमपात का यहां आए सैलानियों ने उठाया लुत्फ, फिसलन भी बनी परेशानी का सबब। प्रदेश के ऊपरी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हुए हिमपात व निचले क्षेत्रों में हुई वर्षा के बाद किसान बागवानों के चेहरे खिले, किसान बागवानों ने कहा ये वर्षा व बर्फबारी कृषि बागवानी के लिए संजीवनी से कम नहीं। चंबा जिले में नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में करेंगे आयुष्मान भारत, हिमकेयर और सहारा योजना का प्रचार प्रसार। प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहडाला में अटल वर्दी योजना के तहत 578 विद्यार्थियों को वितरित की स्कूल वर्दी, कहा इस योजना से गरीब परिवारों को मिली है मदद। सिरमौर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए नए प्रतिनिधियों के लिए सरकारी योजनाओं के साथ साथ काम करने का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ शुरू, नाहन विकासखंड की 35 पंचायतों के प्रधानों को नाहन में किया गया प्रशिक्षित। विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड बिलिंग में टेक ऑफ द लैंडिंग के लिए पैराग्लाइडरों को अब मिलेगी और अधिक आधुनिक सुविधाएं, वन विभाग पालमपुर के वन मंडल अधिकारी डॉ. नितिन पाटिल ने टेक ऑफ साइट बिलिंग का दौरा कर पायलटों से की चर्चा।